हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का ग्रेडीफाई यूट्यूब चैनल पे। आज को हम लोग पॉलिनोमियल्स का सेकंड वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को एक बाय एक करेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे कि वो कितना सिंपली सॉल्व हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में सब चीज़ बता दिया है कि क्या मोनोमियल है, क्या बाइनोमियल है, क्या लीनियर एक्सप्रेशन है, क्या आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, सब बता दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सारे क्वेश्चंस हैं क्या और उसको इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने पहले मैं आपको कुछ ये बताना चाहता हूं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है तो आई कार्ड में जाकर देख लीजिए, वहां से आप पहले समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल्स है क्या, बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए और इसको समझिए। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा हुआ है तो वेल एंड गुड, आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए, इन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिए और फिर इसके बाद सोल्यूशन देखिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स। ये बता रहा है पॉलिनोमियल्स कौन सा है इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, यहाँ पे। ठीक है, और हमको इसका रीज़न देने बोला है कि क्यों वो वन वेरिएबल में है, क्यों वो नहीं है, उसका रीज़न मांग रहा है। तो पॉलिनोमियल्स का क्या क्राइटेरिया था कि पॉलिनोमियल्स आपका होल नंबर में रहेंगे, उसके जो वेरिएबल रहेगा उसका पावर होल नंबर में रहेगा, मतलब नेगेटिव नहीं रहेगा, रूट नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, डेसिमल भी नहीं रहेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि x का पावर 2 है, होल नंबर है, x का पावर यहाँ पे 1 है, होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब हमको लेकिन बोला है कि इन वन वेरिएबल है कि नहीं भी बताना है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस वाले एक्सप्रेशन में सिर्फ x एक ऐसा वेरिएबल है, सिर्फ x ही वेरिएबल है, तो आपका सिर्फ x है जो वेरिएबल है और ये सिर्फ एक ही है और भी नहीं, मतलब यहाँ पे ना आपका y है ना z है, कुछ नहीं है, सिर्फ x है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर प्लस रूट टू दिया हुआ है, पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल सॉरी आपका कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता कि क्या उसका रूट है कि डेसिमल में क्या नहीं है, लेकिन अगर आपके वेरिएबल में अगर ऐसा पड़ गया, रूट पड़ गया या फिर आपका रूट वाई स्क्वायर कर दिया, रूट वाई के ऊपर दे दिया कुछ भी, तो ये फिर आपका हट जाएगा। वो आप इंट्रोडक्शन वीडियो में देख के समझ चुके होंगे अभी तक। तो देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर दिया है प्लस टू है, तो ये भी एक आपका पॉलिनोमियल है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉलिनोमियल है और इसमें भी सिर्फ एक ही वेरिएबल है वाई स्क्वायर, तो ये सिर्फ वन वेरिएबल वाला है। ओके, मेरे हैंड राइटिंग मत ध्यान दीजिए, मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूट थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रूट टी दिया हुआ है, पॉलिनोमियल का कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं आपका। अब आपको देखना ही नहीं है कि वो वन वेरिएबल है कि टू वेरिएबल है, इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन को पॉलिनोमियल का सिंपल वाला, तो होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी ये तो तब भी ठीक है, वाई तो ठीक है, लेकिन ये वाई नहीं होगा, डेसिमल आपका डेसिमल में है, सॉरी फ्रैक्शंस में है। जैसे ये ऊपर जाएगा तो y टू द पावर माइनस वन हो जाएगा, उसका पावर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि इसका बेस में यहाँ पे पावर वन रहता है, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर x टू द पावर 10 y क्यूब प्लस t टू द पावर 50, यहाँ पर आपके तीन वेरिएबल हैं x y एंड t, और ये आपका पॉलिनोमियल भी है क्योंकि इसके सारे पावर्स होल नंबर हैं, तो ये आपका पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स होगा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में बेसिकली ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बनते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा एक्स स्क्वायर के बारे में बोला है। ओके, उनके कोएफिशिएंट के बारे में बताया गया। कोएफिशिएंट क्या होते हैं, मान लीजिए अगर कोई वेरिएबल है उसके सामने जो कॉन्स्टेंट रहेगा वो आपका इसका कोएफिशिएंट है, मतलब एक्स का कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो यहाँ पे बोला है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो यहाँ पर अब देखिए एक्स के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा 1। ओके, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसमें देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। अब देखिए इसको ना ऐसे लिखना पड़ता है, 2 माइनस प्लस वन एक्स स्क्वायर, सॉरी नॉट ईयर, यहाँ पे प्लस बैठेगा, यहाँ पे माइनस बैठेगा, अंदर में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब ऐसे बैठता है, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस दे देगा, तो हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर वो माइनस वन है। ओके, यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, आपके सामने दिख रहा है ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये पाई है। ओके, पाई बाई टू लिखा है मैंने,
तो पाई बाई टू एक्स स्क्वायर के सामने है, तो इसका आंसर क्या होगा, पाई बाई टू। तो इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस क्वेश्चन में देखिए आपका एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, इस टर्म में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई कोएफिशिएंट है नहीं, मतलब क्या होगा, ज़ीरो। ओके, तो ऐसे ऐसे टाइप के भी आपके एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते हैं, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ईजी है बहुत। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने थ्री और फोर दोनों करवाऊंगा, थ्री बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्या है। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ अ डिग्री 35 एंड ऑफ डिग्री 100, मतलब एंड ऑफ मोनोमियल होगा, सॉरी ये क्वेश्चन आपका मोनोमियल का है, मैं यहाँ मिस कर गया, ये मोनोमियल है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मिस किया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा आप। तो बोला है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन देना है हमको जिसका आपका हाईएस्ट पावर 35 होगा, उसका डिग्री 35 होगा, और एक मोनोमियल देना है जिसका डिग्री 100 होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने देखा है तो पता ही है कि बाइनोमियल मोनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल वो चीज़ होता है जिसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं, मोनोमियल एक होता है जो सिंगल एक्सप्रेशन होते हैं। तो बाइनोमियल का सिंपल सा कुछ भी दे दीजिए, वाई टू डी पावर 35 प्लस 10, ये आपका हो गया बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और आपका मोनोमियल में कुछ भी दे दीजिए, एक्स टू डी पावर 100 आपका आ गया, ये आपका मोनोमियल हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हाईएस्ट डिग्री का बात किया जा रहा है, इस सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री निकालने बोला गया है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या होता है कि एक पॉलिनोमियल में जब जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा वही उस पॉलिनोमियल का डिग्री भी कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5x³ + 4x² + 7x है, और सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पर, 3। तो इस एक्सप्रेशन का डिग्री क्या है, 3, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, वाई स्क्वायर है यहाँ पे, कुछ नहीं है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी दिया हुआ है और टी में कुछ लिखा नहीं है, मतलब इसका पावर क्या है, 1, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1। एंड इधर ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स टू डी पावर 0, तो एक्स टू डी पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। तो 1 इसका, सॉरी इसका आंसर 0 होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन हमको करते हैं, और ये आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसके अंदर में देख लीजिए क्या बोला है। क्लासीफाई द फॉलोइंग्स एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये तीनों में से बताना है। मैंने सब कुछ आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा दिया है, अगर अभी तक भी आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको पहले देख लीजिए, तभी आप इसको देखें, तो बहुत ईजी होगा आपको इसको समझना। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल है वो 1 रहेगा, क्वाड्रेटिक में 2 रहेगा, क्यूबिक में 3 रहेगा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस वाले में देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2, तो ये क्या होगा आपका, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 3, तो ये क्या होगा, क्यूबिक, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या है, 2, तो ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, लीनियर। ओके, इसमें हाईएस्ट पावर एक्स का 1 है, यहाँ पे भी आपका 1 है, तो ये भी आपका लीनियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका स्क्वायर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक हो जाएगा ये। और इस वाले में देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 3, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्यूबिक। तो देखिए ये इतने इजी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज 2.1 में थे, जो मैंने सारे के सारे आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब आप क्या करिए, इन्हीं को दोबारा से प्रैक्टिस करिए, या फिर आप एग्जाम्पलर आपका जो होता है एनसीईआरटी का वहाँ से प्रैक्टिस करिए, या फिर आर एस अग्रवाल कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप किताब में से, और क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था आपका पूरा एक्सरसाइज 2.1, मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। अब आप घर पर प्रैक्टिस करिए, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोला, आर एस अग्रवाल एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस करिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालें और हमसे पूछें, हम उसका सोल्यूशन आपको तुरंत से तुरंत जवाब देने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल पाए और पॉलिनोमियल्स सीख पाएँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि फ्यूचर की जो भी ग्रेडिफाई के नोट अपडेट्स रहेंगे वो आपको मिल पाए। और आपके अगर कोई भी सुझाव है, अगर आपको कोई नया टॉपिक सीखना है, कुछ भी जानना है, और भी जानकारी चाहिए, तो हमारे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करिए और हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं,
हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि उसको भी जल्दी से जल्दी लेकर आएँ। आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब कुछ सेफ होंगे इस लॉकडाउन में। थैंक यू वेरी मच।